एबी न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में मैं ऐश्वर्या शिंदे आप सभी का स्वागत करती हूं। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। लॉरेंस बिश्नोई को लाया गया पंजाब। लॉरेंस बिश्नोई को कोर्ट ने भेजा 7 दिन की पुलिस हिरासत में। नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार तीसरे दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में चल रही पूछताछ। कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन। और सुप्रिया सुले ने वर्धा दौरे के दौरान कहा, सेवाग्राम पर्यटन स्थल नहीं बल्कि एक है बड़ा विचार स्थल। हमने अपने कार्यों में गांधी जी के मूल्यों को दिखाना चाहिए। अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से कड़ी सुरक्षा के साथ पंजाब पुलिस बदमाश लॉरेंस बिश्नोई को लेकर बुधवार तड़के पंजाब पहुंची, जहां उससे गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के सिलसिले में पूछताछ की जाएगी। बिश्नोई को मानसा की एक अदालत में पेश किया गया, जिसने उसे 7 दिन की पुलिस हिरासत में भेज दिया है। इससे एक दिन पहले मंगलवार को दिल्ली की एक अदालत ने पंजाबी गायक एवं कांग्रेस नेता मूसेवाला की हत्या के मामले में पंजाब पुलिस को बिश्नोई की ट्रांजिट रिमांड प्रदान की थी। पंजाब पुलिस ने मामले में लॉरेंस बिश्नोई का औपचारिक रूप से गिरफ्तार करने के बाद उसे अदालत के समक्ष पेश किया था, जिसके बाद अदालत ने आदेश पारित किया। दिल्ली से बुधवार तड़के मानसा लाने के बाद बिश्नोई को एक अदालत के समक्ष पेश किया गया, जहां से उसे 7 दिन की पंजाब पुलिस की हिरासत में भेज दिया गया। सूत्रों ने बताया कि पंजाब पुलिस का एक दल उसे लेकर पंजाब के एक शहर खरड जा रहा है, जहां उससे पूछताछ की जाएगी। सूत्रों के मुताबिक लॉरेंस बिश्नोई से पंजाब पुलिस 50 सवाल पूछेंगी। गौरतलब है कि गायक मूसेवाला की पंजाब के मानसा जिले में 29 मई को अज्ञात लोगों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इससे पहले पंजाब पुलिस ने कहा था कि मूसेवाला की हत्या एक अंतर्गिरोह प्रतिद्वंदिता का मामला है और इसमें लॉरेंस बिश्नोई गिरोह शामिल था। सेना में भर्ती के लिए केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना का बिहार में विरोध शुरू हो गया है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह द्वारा अग्निपथ योजना की घोषणा करने के अगले ही दिन यानी बुधवार को जगह जगह प्रदर्शन शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों ने बक्सर में रेलवे ट्रैक जाम किया तो मुजफ्फरपुर के माड़ीपुर में आगजनी की और सड़क जाम कर दी। इसके अलावा आरा में भी जमकर बवाल मचाया। पुलिस और जीआरपी ने प्रदर्शनकारियों को समझाने का भी प्रयास किया, लेकिन वे योजना को वापस लेने की मांग पर अड़े हुए हैं। केंद्र सरकार ने 14 जून को सेना की तीनों शाखाओं थलसेना, नौसेना और वायुसेना में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की है। इस स्कीम के तहत नौजवानों को 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी। माना जा रहा है कि सरकार ने यह कदम तनख्वाह और पेंशन का बजट कम करने के लिए उठाया है। मुजफ्फरपुर में बुधवार को सैकड़ों लोग लाठी डंडा लेकर सड़क पर उतर गए और हंगामा और प्रदर्शन करने लगे। सबसे पहले प्रदर्शनकारी ARO आर्मी रिक्रूटमेंट ऑफिस पर पहुंचे, वहां पर विरोध जताया। इसके बाद प्रदर्शनकारियों ने माड़ीपुर में आगजनी कर रोड जाम कर दिया, साथ ही सड़क के आसपास लगे बोर्ड और होल्डिंग में तोड़फोड़ का भी प्रयास किया। प्रदर्शनकारियों को समझाने के लिए सदर और काजी मोहम्मदपुर पुलिस मौके पर पहुंची, हालांकि वे नहीं माने। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि जब तक सेना का कोई अधिकारी उन लोगों की समस्या नहीं सुनेंगे, वे सड़क से नहीं हटेंगे। बक्सर में प्रदर्शनकारियों ने दिल्ली कोलकाता रेलवे ट्रैक पर बक्सर स्टेशन के माल गोदाम के पास जाम कर दिया। मौके पर रेल सुरक्षा बल, रेल थाना, नगर थाना समेत बक्सर समेत रेल प्रबंधक पहुंचे। प्रदर्शनकारियों को समझाने के बाद ट्रैक से जाम हटा और परिचालन शुरू हो गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि नेता हो या विधायक, सभी को 5 साल का समय मिलता है, हमारा 4 साल में क्या होगा? हमारे पास पेंशन की भी सुविधा नहीं है, 4 साल बाद हम रोड पर आ जाएंगे। उनका कहना है कि सेना में नियुक्ति की यह योजना रद्द की जाए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे और कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे आज यूपी दौरे पर है। वह अयोध्या पहुंच गए हैं, इस्कॉन मंदिर में पूजा की, अब राम मंदिर और हनुमानगढ़ी में दर्शन पूजा करेंगे। उनके दौरे को लेकर अयोध्या के संत महंतों ने विरोध जताया है। लखनऊ एयरपोर्ट पर आदित्य ठाकरे ने कहा, मेरी ये यात्रा पूरी तरह से धार्मिक यात्रा है, रामलला में हमारी आस्था है, हम रामलला का दर्शन करने आए हैं। यूपी में पहले से ही हमारा संगठन है, हम यहाँ जनसेवा कर रहे हैं, किसी के आरोप का मुझे कोई जवाब नहीं देना है। अयोध्या आने का विरोध हनुमानगढ़ी के पुजारी राजूदास और जगतगुरु परमहंसाचार्य ने किया था। राम मंदिर का निर्माण शुरू होने के बाद आदित्य पहली बार अयोध्या पहुंचे हैं। वह श्रीराम का आशीर्वाद लेकर मंदिर निर्माण को भी देखेंगे।
इस बीच आदित्य ठाकरे के अयोध्या दौरे का विरोध हनुमानगढ़ी के पुजारी राजूदास और जगतगुरु परमहंसाचार्य ने शुरू कर दिया है। उनका कहना है कि अब हिंदू सजग और सतर्क हो चुका है। शिवसेना के मंत्री आदित्य ठाकरे का अयोध्या दौरा पूरी तरीके से राजनीतिक है। पूरा अयोध्या पोस्टर और होर्डिंग से पट गया है। उनका अयोध्या आने का स्वागत है, लेकिन डुग्गी पीट कर, भूपू बजाकर और पोस्टर लगवाकर दौरा राजनीतिक है। महाराष्ट्र में सड़क पर हनुमान चालीसा पढ़ने पर 14 दिन की जेल हो रही है। अयोध्या आकर आदित्य ठाकरे क्या संदेश देना चाहते हैं? शिवसेना सांसद संजय राउत 13 जून को अयोध्या पहुंच गए। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के बेटे आदित्य ठाकरे की अयोध्या आगमन की तैयारी को देखा। उन्होंने अखाड़ा परिषद के कई बार अध्यक्ष रहे हनुमानगढ़ी के महंत ज्ञानदास के आश्रम में जाकर उनका आशीर्वाद लिया। वे लक्ष्मण किला भी गए, सरयू आरती स्थल पर निरीक्षण कर आवश्यक निर्देश भी दिए। नेशनल हेराल्ड मामले में लगातार तीसरे दिन कांग्रेस नेता राहुल गांधी से प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में पूछताछ चल रही है। हालांकि राहुल गांधी से ईडी दफ्तर में पूछताछ के बीच कांग्रेस का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार का विरोध करते हुए जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने टायर भी जलाए। यही नहीं, कांग्रेस नेताओं को दिल्ली पुलिस ने हिरासत में भी लिया। इससे पहले नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी से लगातार 2 दिनों तक ईडी दफ्तर में पूछताछ हुई थी। दूसरे दिन ईडी ने राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड अखबार से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में करीब 11 घंटे तक पूछताछ की थी। वही सोमवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी से ईडी अधिकारियों ने करीब 10 घंटे तक पूछताछ की थी। एकलव्य भील समाज संगठन महाराष्ट्र के माध्यम से आज पचोरा में तहसील कार्यालय के सामने कब्रिस्तान की समस्या को लेकर धरना प्रदर्शन किया गया। इस अवसर पर पचोरा तालुका से एकलव्य भील समाज संगठन के पदाधिकारी बड़ी संख्या में उपस्थित थे। पचोरा तालुका के भोरटेक खुर्द में आदिवासी भील समुदाय को कब्रिस्तान की समस्या का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ के आदिवासी भील समुदाय के कब्रिस्तान को समय समय पर उस स्थान का नाम देने के लिए ध्यान नहीं दिया जाता है। इसके खिलाफ जलगांव जिला कलेक्टर कार्यालय में एकलव्य भील समाज संगठन के माध्यम से आदिवासी भील समाज की समाधि का मुद्दा उठाया गया। उस समय जलगांव जिला कलेक्टर ने तत्काल नोटिस लिया और प्रत्येक तालुका स्तर पर तहसीलदार को इस संबंध में कब्रिस्तान परिपत्र के आधार पर इस मामले पर बैठक करने और चर्चा करने के लिए कहा। हालांकि चूंकि इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लिया गया है, कुछ बदमाशों ने पचोरा तालुका के भोरटेक गांव में भील समुदाय के पारंपरिक कब्रगाह पर अतिक्रमण कर लिया है। इसलिए एकलव्य भील समाज संगठन महाराष्ट्र के माध्यम से आज पचोरा में तहसील कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया गया। नमस्कार, माझं नाव प्रवीण मोरे, एकलव्य भील समाज संघटना जळगाव जिल्हा उपाध्यक्ष तसेच दंडनायक नियोजन समिति अध्यक्ष। सध्या इथे पाचोरा तालुका तहसीलदार ऑफिसच्या समोर आम्ही ठिय्या आंदोलन करतो आहे। याचे प्रस्तावित कारण भोरटेक या गावी स्मशानभूमीचा प्रश्न, मुळात तो प्रश्न सर्व जळगाव जिल्ह्यातच आहे। त्याच अनुषंगाने 2021 जुलै महिन्यात 19 तारखेला आपण एक मोर्चा काढला होता। ऑन द स्पॉट म्हणजे जस्ट मोर्चाच्याच ठिकाणी कलेक्टर साहेबांनी, राऊत साहेबांनी आम्हाला एक परिपत्रक दिलं, ज्यानुसार आम्ही ते परिपत्रक संबंधित किंवा संबंधित पदाधिकारी किंवा त्या तहसीलला जमा करून आपल्या आपल्या गावाची स्मशानभूमी क्लिअर करून घेऊ शकतो, नाव अर करून घेऊ शकतो। अतिक्रमण असेल तर अतिक्रमण हटवू शकतो, स्मशानभूमी नसेल तर स्मशानभूमी अलॉट करून घेऊ शकतो सरकारकडून। ही प्रोसेस होती। त्या अनुषंगाने आम्ही वेगवेगळ्या तालुक्यांमध्ये निवेदन दिले। संघटनेचे जेवढे पदाधिकारी होते त्यांनी निवेदनही दिले। त्याच निवेदनानुसार मार्च महिन्यात पाचोऱ्यातही भोरटेक या गावासाठी निवेदन देण्यात आले। आता निवेदन देऊन 3 महिन्याच्या वरती झाले, कोणत्याही प्रकारची काहीही प्रशासकीय हालचाल झालेली नाही। खबरों के सिलसिले में वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। Love you, Deepika. Bye. सब जानना चाहते हैं, मेरा फेवरेट कलर, मेरा फेवरेट डेस्टिनेशन, मेरी फेवरेट डिश, पर कोई ये नहीं पूछता कि फेवरेट डिश मैं बनाती कैसे हूँ। अरे यार, जिसे टेस्टी खाना पसंद है वो अच्छे टेस्ट तक पहुंच ही जाता है। सुरुचि मसाले, खाने में हो रुचि तो घर लाइए सुरुचि। अपने सपनों की उड़ान भरने की इच्छा तो हर किसी की होती है, पर पंख भी तो मजबूत होने चाहिए।
फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जहां पर एयरलाइंस एंड एयरपोर्ट हॉस्पिटैलिटी और टूरिज्म मैनेजमेंट, साथ ही यहां कैंपस इंटरव्यू, गाइडेंस बाय इंडस्ट्री एक्सपर्ट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एट एयरपोर्ट, एक्सपर्ट फैकल्टी, पर्सनल ग्रूमिंग जैसे कई सारे बेनिफिट्स आप पा सकते हैं। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 1 degree 3 job opportunities. फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी गिव्स यू अ डिग्री और डिप्लोमा विद अ जॉब। फ्लाईव्हील एविएशन अकेडमी, 365 गांधीनगर, LAD कॉलेज स्क्वायर, बिसाइड कर्नाटका बैंक, नागपुर। बॉस ने मीटिंग बुलाई। क्या यार, आदमी की तकलीफ को तो समझो, बार बार उठो बैठो उठो बैठो। जनाब, तकलीफ उठने बैठने की नहीं, तकलीफ बवासीर की है। बवासीर, फिशर, भगंदर, पाइलोनियल साइंस का आयुर्वेद तथा आधुनिक लेजर से उपचार, अभ्युदय पाइल्स लेजर हॉस्पिटल, लोहार समाज भवन के पीछे, महापुष्प सोसाइटी, शताब्दी नगर चौक से मनीष नगर रोड, नागपुर। कॉल और विजिट करें www.pilesfistulacure.com। सबका फिर से स्वागत है। रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में भारतीय सेना में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए अग्निपथ योजना शुरू की है। NCC के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने कहा है कि इस अग्निपथ योजना से हजारों NCC कैंडिडेट्स लाभान्वित हो रहे हैं और इसके माध्यम से NCC कैंडिडेट्स जल्द ही अग्निवीर बनेंगे। वे आज नागपुर के पास कामठे में गार्ड्स रेजिमेंटल सेंटर के ब्रिगेड में आयोजित 740 NCC कैंडिडेट्स की पासिंग आउट परेड के अवसर पर मीडिया से बात कर रहे थे। पासिंग आउट परेड में भाग लेने वाले 740 युवाओं को 45 दिनों के कठोर प्रशिक्षण के बाद एसोसिएट कैडेट ऑफिसर के रूप में शपथ दिलाई गई। इन NCC कैडेट्स ने जुलूस का नेतृत्व किया, अधिकारियों को सलामी दी और अपने अनुशासन का परिचय दिया। रक्षा मंत्रालय की अग्निपथ योजना के तहत सेना तीनों डिवीजनों में 4 साल तक काम कर सकेगी। NCC के महानिदेशक लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह ने कहा कि इसके बाद दमकल कर्मी सोसाइटी में जाकर जिम्मेदार नागरिक की भूमिका निभाएंगे। उन्होंने यह भी कहा कि NCC कैडेट्स देश की सेवा के लिए तैयार है और इन कैडेट्स को कई जगहों पर सेवा दी जा रही है। टीम के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा यूथ्स को अग्निवीर बनने का मौका मिलेगा और ख़ास तौर पे हमारे कैडेट्स हैं जो 4 साल की सर्विस करने के बाद कुछ और अपना प्रोफेशन फॉलो करना चाहते हैं, उसकी भी अभी चांस है। वो 4 साल के लिए अग्निवीर बन सकते हैं, उसके बाद अपना दूसरा प्रोफेशन फॉलो कर सकते हैं। एक मेन मकसद ये है टू मेक रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न दिस कैडेट्स यूथ, टू मेक दम रिस्पॉन्सिबल सिटीज़न। अब जो NCC के कैडेट्स अग्निवीर बनेंगे उसके बाद सोसाइटी में वापस जाएंगे, दिल बिकम मोर रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। वन इज़ दैट हाई पार कमेटी हैज़ बीन एस्टैब्लिश टू डिफाइन द रोल एंड फर्दर हाउ द NCC शुड प्रोग्रेस एज इन वेल द कमेटी रिपोर्ट इज एक्सेप्टेड एंड वी गिवन बाय द डायरेक्शन बाय द गवर्नमेंट वी विल प्रोग्रेस बाय इट। NCC हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज अ इलेक्टिव सब्जेक्ट इन लॉट ऑफ यूनिवर्सिटीज and it's been given due weightage, so that is the सांसद सुप्रिया सुले आज वर्धा जिले के दौरे पर है। उन्होंने कहा कि यह एक बड़ा विचार स्थल है। यह महात्मा गांधी का सेवाग्राम आश्रम सिर्फ पर्यटन स्थल नहीं है, इस जगह पर अलग ही ऊर्जा मिलती है। हमें उन्हें इसी तरह से देखना चाहिए और एक आदर्श के रूप में हम सभी को एक बार फिर उनके आशीर्वाद के लिए, बापू ने भारत के लिए जो किया है उसके लिए धन्यवाद देना चाहिए। महात्मा गांधी द्वारा दिए गए मूल्यों को ध्यान में रखते हुए NCP सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि हमने अपने कार्यों में गांधी जी के मूल्यों को दिखाना चाहिए। ग्राम आणि पावनार आश्रमला दर वर्षी येते, इथे नेहमीच येऊन मला एक वेगळी ऊर्जा मिळते। सातत्याने ज्या भारताच्या पुत्राने आपल्याला स्वातंत्र्य दिलं त्याची जाणीव ठेवून, त्यांनी दिलेला आदर्श हा ठेवून आणि तोच सगळ्यात मोठा आशीर्वाद समजून मी सातत्याने प्रांजळपणे काम करण्याचा प्रयत्न करत असते आणि पुढच्या पिढीला हा विचार पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत असते। पूरे राज्य
में खरीफ सीजन शुरू होने वाला है। राज्यों में बड़े पैमाने पर खाद के साथ लिंकिंग खाद बेचने की जबरदस्ती कृषि केंद्र चालक की ओर से की जाती है। उर्वरक मूल कीमत में अधिक दर पर खाद बेचा जाता है। कृषि विभाग इस ओर ध्यान नहीं दे रहा है। इस विषय पर रविकांत तुपकर ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की। रविकांत तुपकर ने कहा, हम समझते हैं कि कृषि राज्य मंत्री दादा भूसे साहब एक संवेदनशील मंत्री है, लेकिन आपके राज्य में क्या हो रहा है? बुद्धिमान किसान जानते हैं कि कौन सा उर्वरक लेना है, क्योंकि यह हमारा पीढ़ीगत व्यवसाय है, लेकिन कुछ कृषि केंद्र संचालकों द्वारा कृत्रिम कमी पैदा की जाती है। मेरा स्पष्ट मत है कि कृषि विभाग इसमें भागीदार है। अब से यदि किसी किसान को जबरन फर्जी बीज बेचा गया तो कृषि केंद्र के चालक के कपड़े उतार कर उसे मारा जाएगा। कार्रवाई करो और उन्हें सड़क पर लाओ। दादा भुसे साहब हमारे संयम का अंत न देखें, ऐसा रविकांत तुपकर ने कहा। संपूर्ण राज्यामध्ये खरीपाचा हंगाम आता सुरू होणार आहे आणि राज्यामध्ये मोठ्या प्रमाणात खतांच्या सोबत लिंकिंगचं खत विकण्याची जबरदस्ती कृषी केंद्र चालकांकडून होते आहे। दुसऱ्या बाजूला मूळ किमतीपेक्षा जास्त दराने खताची विक्री होते आहे, याकडे सर्रास कृषी विभागाचं दुर्लक्ष आहे। राज्याचे कृषी मंत्री दादा भुसे साहेब तुम्ही संवेदनशील मंत्री आहात असं आम्ही समजतो, पण तुमच्या राज्यात हे काय सुरू आहे? एका बाजूला जबरदस्ती लिंकिंग खताची शेतकऱ्यांवर थोपवल्या जाते जे खत, आणि दुसऱ्या बाजूला कृषी विभाग आम्हाला सांगतो या खताचा तुम्ही आग्रह धरू नका। म्हणजे काय? आम्हाला शहाणपणा शिकवण्याची गरज नाही। कोणतं खत घ्यायचं, कोणतं बी पेरायचं, याची अक्कल शेतकऱ्यांजवळ निश्चितपणे आहे, कारण तो आमचा पिढीजात धंदा आहे। परंतु कृत्रिम तुटवडा काही कृषी केंद्र चालकांकडून आणि व्यापाऱ्यांकडून निर्माण केला जातो आणि यामध्ये कृषी विभाग सहभागी आहे असं माझं स्पष्ट मत आहे। कल्याण पूर्व में एक घटना से हडकंप मच गया है। युवती का वीडियो वायरल करने की धमकी देकर 7 युवक पिछले 1.5 साल से पीड़िता के साथ दुष्कर्म कर रहे थे। लड़की के मोबाइल में मिले सुसाइड नोट की जांच करते हुए कोलछेवाड़ी पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। इसमें एक युवती भी शामिल है। आरोपी तरुणी 7 युवकों को वारदात को अंजाम देने के लिए मदद कर रही थी। पीड़ित परिवार के मुताबिक आरोपी कल्याण के एक नामी बिल्डर के बच्चे हैं। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाने की मांग की जा रही है। घटना 2 दिन पहले की है, जब कल्याण पूर्व इलाके में एक युवती ने आवासीय भवन की 3री मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। लड़की हाल ही में बोर्ड की परीक्षा में शामिल हुई थी। वो 12वीं की परीक्षा में 71% से पास हुई थी। उसकी आत्महत्या के बाद कोलछेवाड़ी पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी थी। जांच के दौरान पुलिस को मृतक लड़की के मोबाइल फोन में एक सुसाइड नोट मिला। पुलिस ने सुसाइड नोट के आधार पर जांच शुरू की। सुसाइड नोट के टेक्स्ट से पुलिस हैरान रह गई। मृतका के साथ पिछले 1.5 साल से उसी इलाके में रहने वाले 7 युवकों ने वीडियो वायरल करने की धमकी देकर उसका यौन शोषण किया। चौंकाने वाली बात यह है कि 7 विकृत पुरुष एक युवती को इस अपराध को अंजाम देने में मदद कर रहे थे। ये युवती थी पीड़िता की सहेली। पुलिस ने मामले में 8 लोगों को गिरफ्तार किया है और आगे की जांच कर रही है। गिरफ्तार आरोपियों में सनी, विजय यादव, प्रेमी तिवारी, शिवम पांडे, कृष्णा जायसवाल, आनंद दुबे, निखिल मिश्रा और काजल जायसवाल है। कृष्णा जायसवाल और काजल जायसवाल भाई बहन हैं। इसी बीच पता चला है कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों में से कुछ कल्याण में धनी बिल्डरों के बच्चे हैं। 1.5-2 वर्षापूर्वी जी आत्महत्या के लिए मुलीने तिच्यासोबत इंस्टाग्राम पर एका मुलाच ओळख झाली होती इंस्टाग्राम वर, आणि नंतर त्यांचं तिला वेगवेगळ्या प्रकारे तिचं मोलेस्ट्रेशन करणे, तिचं विनयभंग करणे अशा प्रकार सुरू झाले। मग एकाने तिचा व्हिडिओ काढला, फोटो काढला आणि हळूहळू एकमेकाला पास करत राहिले। जो ज्या माणसाला त्यांनी मदतीची याचना केली त्या माणसाने तिचं शोषण केलेलं आहे, आणि तिच्या शोषणामुळे ती आता आईवडिलांना सांगू शकत नव्हती। सारखी जाऊन रडायची, बाथरूममध्ये जाऊन रडायची आणि वर टेरेसवर हे मुलं जमायचे। काल परवा ती मुलं टेरेसवर होती आणि ती इतकं तिचा अतिरेक झाला का तिने त्या तिच्या मोबाईलमध्ये नोट्स लिहून ठेवलेल्या आहेत आणि संपूर्ण डिटेल स्टोरी तिनं सांगितलेली, कथन केलेली आहे। आणि अतिशय ती डिप्रेशनमध्ये गेलेली होती। तिली खरी आवश्यकता तिला तिने कोणातरी आपल्याकडे हे कथन करणं गरजेचं होतं। तिनं केलं असतं तर खरोखर तिचं ही वाचली असती। आणि या मुलांनी त्या वेगळ्यावेगळ्या प्रकारे मोलेस्टेशन केल्यामुळे, विनयभंग केल्यामुळे तिनं हा कोटीचा पाऊल उचललेला आहे आणि आत्महत्या केलेली आहे। मेरी लड़की के साथ बलात्कार हुआ, साकेत ग्रुप वालों ने मिलकर हमारी बच्ची का बलात्कार किया, उसे टॉर्चर किया गया और उसे छत के ऊपर से ढकेल दिया गया। पुलिस वालों ने कुछ नहीं किया, अभी पुलिस वालों के ऊपर है, पुलिस वाले हमारी सुरक्षा करे और हमारे ऊपर दबाव दिया जा रहा है। एक 18 वर्षा जीव
ह्या पोलीस म्हणजे त्या नराधमांमुळे गेलेला आहे आणि तिने सुसाईड नोट लिहिले जी पोलिसांना मिळालेली आहे तिच्या मोबाईलमध्ये. आणि असं असताना ह्या फक्त कसं आहे की ही जी आरोपी आहेत 7 ते 8 जणं हे सगळे धनदांडगे विकासकांची मुलं आहेत आणि ह्या मुलांना वाचवण्यासाठीच ह्या कोळशेवाडी पोलीस स्टेशनने त्यांच्यावर फक्त 306 हा गुन्हा दाखल केला आहे. म्हणजे फक्त आत्महत्येस प्रवृत्त करण्याचा गुन्हा दाखल केलेला आहे पण तिच्या ब्लू फिल्म्स बनवल्या आहेत, सगळं केलेलं आहे. आणि असं असताना कोळशेवाडी पोलिसांनी हे असं पाऊल का त्या गुन्हेगारांना सोडण्यासाठी उचललेलं आहे की 306 लावले फक्त? म्हणजे हे सुशासन आहे की दुःशासन आहे? हे कोळशेवाडी पोलीस स्टेशनच्या बाबतीत नेहमी अशा घटना घडत असतात आणि हे सगळं सरळ सरळ आरोपींना सोडण्यासाठीच फक्त त्यांच्यावरती 306 हा गुन्हा दाखल केलेला आहे. VKB न्यूज के प्राइम टाइम न्यूज में बस इतना ही. फिर मिलेंगे कुछ अन्य खबरों के साथ. तब तक देखते रहिए VKB न्यूज. नमस्कार.